आज हम बात करेंगे राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह कैसे संपन्न हुआ। देवदत्त के मुख पर गहरे विषाद और शोक की भाव थे। वह शीघ्रता से चलकर यशोधरा के पिता के पास पहुंचा और उनसे बोला, हे राजन, आपने तो यह प्रतिज्ञा की थी कि जो भी वीर पुरुष अस्त्र शस्त्र के संचालन में प्रतियोगिता का मुख्य विजेता रहेगा, उसी के साथ राजकुमारी यशोधरा का विवाह होगा। देवदत्त की बात सुनकर यशोधरा के पिता निरंतर हो गए। वास्तव में वे अपनी यह प्रतिज्ञा विस्मृत कर बैठे थे। अब उन्होंने तुरंत राजा शुद्रोधन से बात की और अस्त्र शस्त्र की प्रतियोगिता आयोजित करने का अनुरोध किया। राजा शुद्रोधन ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। सभी जनों का विचार था कि राजकुमार सिद्धार्थ कोमल हृदय का और अहिंसा में विश्वास करने वाला राजकुमार है और वह इस प्रतियोगिता में सहज ही पराजित हो जाएगा। परंतु हुआ इसके विपरीत। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पराजित करके प्रथम विजेता का पद प्राप्त कर लिया। राजकुमार सिद्धार्थ से पराजित होकर देवदत्त लज्जा से सिर झुकाकर वहां से चला गया। अपनी राजकुमार की जीत पर राजा शुद्रोधन, रानी प्रजावती और सभी प्रजाजनों को आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई। अब यशोधरा के पिता ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार सिद्धार्थ के साथ कर दिया। सिद्धार्थ जैसा सुंदर, गुणवान और प्रतिभावान वीरपति पाकर बड़ी प्रसन्न थी। इसी प्रकार सिद्धार्थ भी यशोधरा जैसी सुंदर, सुशील और सलज अर्धांगिनी पाकर जैसे फूलाना समाया था। यशोधरा को पाकर सिद्धार्थ जैसे स्वयं को भूल गया था। अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ वह प्राय पुष्प वाटिका में घूमता रहता और उसके बालों में पुष्प सजाकर हंसता मुस्कुराता रहता।